उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन दिनों अपने पुराने अंदाज में नजर आ रहे हैं। हिंदुत्व को लेकर वो जितने मुखर अपने पुराने दिनों में हुआ करते थे, वो रूप एक बार फिर आगरा में देखने को मिला। योगी का यही अंदाज बीजेपी की राजनीति को भाता रहा है, पर मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने अपने इस अंदाज को थोड़ा नरम कर लिया था। लेकिन जब से यूपी में लोकसभा चुनाव में बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा है, सीएम योगी के खिलाफ भी अंदर खाने आवाज उठनी शुरू हो गई थी। यूपी में मिली करारी हार के बाद योगी के इमेज को भी डेंट करने का प्रयास किया गया था। शायद अपने इमेज के डैमेज को कंट्रोल करने के लिए ही सीएम योगी को अपने पुराने अंदाज में लौटने के लिए प्रेरित किया। अगर हम सीएम योगी के पिछले कुछ बयानों का आंकलन करें तो सीएम योगी अपने पुराने अंदाज में लौटते नजर आ रहे हैं। चाहे वो सीएम योगी का बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहे अत्याचार वाले बयान को देखें, तो उसमें भी सीएम योगी का हार्डकोर हिंदुत्व वाली छवि नजर आ रही है। तो आज इस वीडियो में हम सीएम योगी के उन बयानों का आकलन करेंगे जिससे यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि वो अपने पुराने अंदाज में लौट रहे हैं। दरअसल सीएम योगी आदित्यनाथ पिछले एक महीनों में यह चौथा मौका था जब सीएम योगी में सांसद योगी की झलक देखने को मिली। जुलाई के अंत में राज्य सरकार ने धर्मांतरण विरोधी कानून में संशोधन के लिए एक विधेयक पेश किया था, जिसमें उत्तर प्रदेश गैर कानूनी धर्म परिवर्तन निषेध अधिनियम 2021 को और अधिक सख्त बना दिया गया। इसके बाद कांवड़ यात्रा मार्ग पर सड़क किनारे विक्रेताओं और दुकानदारों को अपने प्रतिष्ठानों के बाहर अपना नाम प्रदर्शित करने का आदेश पारित किया गया, और प्रतिष्ठानों के बाहर अपना नाम प्रदर्शित करने का आदेश पारित करना भी इसी क्रम में माना गया जो मुसलमानों के खिलाफ है। इसके अलावा पिछले सप्ताह योगी ने बांग्लादेश संकट और पड़ोसी देशों में हिंदुओं की स्थिति पर मुखर होकर बोलते हुए नजर आए कि विपक्ष का वोट बैंक नाराज न हो जाए, इस वजह से विपक्ष इस मुद्दे पर बोलने से बच रहा है। इसके बाद अयोध्या रेप केस में मुस्लिम आरोपी होने पर उसके खिलाफ मुख्यमंत्री ने खुद ही मोर्चा संभाल रखा था। इन सबको देखते हुए एक चीज जो अब समझ में आ रही है कि इन चीजों में एक चीज जो सबसे कॉमन दिखाई दे रही है वो ये है कि योगी अब अपने पुराने अंदाज में कमबैक करते हुए नजर आ रहे हैं। अब आपको बताते हैं योगी की इस हार्डकोर हिंदुत्व वाली बयानबाजी कहीं बीजेपी के लिए भारी ना पड़ जाए। बीजेपी इन दिनों जम्मू कश्मीर चुनाव को लेकर एक्शन मोड में नजर आ रही है। ऐसे में योगी का यह बयान कहीं बीजेपी के जम्मू कश्मीर विजय में रोड़ा तो नहीं बनेगी। अगर इसको बीजेपी के नजरिए से देखें तो बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व हर हाल में जम्मू कश्मीर फतह करना चाहता है। इसके लिए बीजेपी का वहां पर 15 से 20 मुस्लिम उम्मीदवारों पर दाव खेलने का विचार कर रही है। ऐसे में अगर सीएम योगी जैसे कोई बड़ा नेता इस तरह का बयान देता है तो इसका प्रभाव पड़ सकता है। वहीं राजनीति के जानकारों की माने तो यूपी में उपचुनाव को फतह करने के लिए योगी आदित्यनाथ इस रूप में नजर आ रहे हैं जिस तरह पिछले दिनों योगी आदित्यनाथ के खिलाफ पार्टी में ही माहौल बनाया जा रहा था। उससे निपटने के लिए योगी आदित्यनाथ ने हार्डकोर हिंदुत्व के अपने पुराने रूप में लौटने के लिए मजबूर हुए हैं। एक चीज ये भी है कि योगी उपचुनाव से पहले पार्टी में अपनी साख को मजबूत करने के लिए जातियों का ध्रुवीकरण करना चाहते हैं। पिछले चुनाव में जैसे अखिलेश यादव ने पिछड़ों और दलितों को एकजुट किया था, उससे निपटने के लिए योगी को अपने पुराने अंदाज में कमबैक करना पड़ रहा है। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम और यूपी उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर के लिए न्यूज स्टेट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।